हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद खुशबू। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले जूडियो के लेटेस्ट कलेक्शन जो कि होने वाले फेस्टिव के अकॉर्डिंग। इसमें मैं आपको ट्राइन हॉल भी दिखाऊंगी। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, आपके नियरेस्ट वाइज जो भी जूडियो मॉल होगा वहाँ पर आपको सारे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे सेम प्राइस में, सेम क्वालिटी के साथ। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉल के अंदर एंट्री करते हुए मेरी नज़र पड़ी इस तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल कुर्तियों के ऊपर। बहुत ही सुंदर सुंदर एकदम कलरफुल टाइप की कुर्तियाँ एथनिक वेयर लगी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके, फेस्टिव सीजन चल रहे हो, तो बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। बट डब्बे हम स्टार्ट करते हैं सबसे चीपेस्ट प्राइस से, जो कि 49 रुपीज़ के। यहाँ पर आपको लिप बाम के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे मैंने देखा कि 200 के अंदर में बहुत ही अच्छा नेल पॉलिश का शर्ट मिल रहा था, जो कि 4 का कलेक्शन था, मतलब 4 का आपको शर्ट मिल रहा है। बहुत ही सही था, कलर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको कलर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड कलर था, कलर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग मिला था। एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि 69 रुपीज़ के बहुत ही अच्छा सही है, बहुत ही अच्छी क्वान्टिटी में आपको फेस वॉश के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हैंड क्रीम भी बहुत ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉडी स्प्रे की बात करें तो बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको 99 रुपये में और 299 रुपये में काफ़ी अच्छा बॉडी स्प्रे एंड बॉडी परफ्यूम के कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सही मुझे लग रहा था। और मैंने इसके बारे में, ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू सुना था और बहुत ही ज़्यादा सुना देखा भी था, तो मैंने सोचा एक बार लेकर ट्राई कर दूँ। तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा सही था। और पिन और क्लेचर वगैरह के इस तरीके से भी आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 79 रुपीज़ के अंदर ही सारे कलेक्शन देखेंगे। इस परफ्यूम की मैं बात करूँ, जैसे डियो की मैं बात करती, बहुत ही अच्छी स्मेल थी इसकी, बहुत ही लंबे टाइम तक मुझे लग रहा था इसकी स्मेल टिकने वाली है, क्योंकि अभी मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं ट्राई करूँगी तो ज़रूर आपके साथ फीडबैक दूंगी। बट इसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर मस्कारा और काजल और नेल पॉलिश वगैरह की भी बहुत अच्छे अच्छे लिपस्टिक की भी अच्छे अलग अलग वेरायटी थी, जो कि आपको 200 के अंदर ही देखने को मिल जाता है। ये आपको मस्कारा आपको 200 में मिल जाएगी, बहुत ही सही था, सेटल था। यहाँ पर आपको ट्राई करने के भी लिए ऑप्शन देते हैं, मतलब जो एक अलग सा इन्होंने अपना कॉर्नर बना रखा जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो कोई भी इनके प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि बिना ट्राई किए पैकेजिंग आप ले जाओ, अब बाकी और कहीं भी आप लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई करने का ऑप्शन शायद ही मिलता हो, बट यहाँ पे आपको जूडियो में एक प्लस पॉइंट है कि आपको मिल जाएगा। ये आपको लिप कलर मिल रहा था 49 रुपीज़ की, बहुत ज़्यादा सही था। इसमें आपको 100 पीस मिल रहे थे, इसमें आपको मतलब क्या कहते हैं वेराइटी भी अलग अलग थे। देन यहाँ पे मैंने देखा मिसलर वाटर भी काफ़ी सही था, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी 99 रुपीज़ की 100 के अंदर ही थी, तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा सही लगा अकॉर्डिंग प्राइस के। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, देखते हैं वहाँ पे क्या कलेक्शन है। तो अभी इधर नीचे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा पाउच के कलेक्शन, एंड उसके बाद लिपस्टिक के कॉर्नर में जब मैं आई थी यहाँ पे, देखिए लिपस्टिक कितने प्यारे प्यारे शेड थे, बहुत ही ज़्यादा सही थे। यहाँ पर आपको बीबी क्रीम भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके स्किन के कलर के मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्किन के अलग मिलेंगे, सारे आपको स्किन के कलर देखने वाले मिलने वाले 199 के 200 के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लूज़ पाउडर के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, दो बार से मैं जूडियो जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जूडियो इज़ द बेस्ट। ऑनलाइन शॉपिंग करने का मन ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग आपने कभी ना किया हो, तो जूडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाएगा, सही चीज़ है। यहाँ पर आपको सावर जेल मिल जाते हैं, बहुत ही सही है जूडियो में। ये सावर जेल मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने शावर जेल यहाँ से पिक किया था, जो कि आपको 169 रुपीज़ से मिल जाएंगे। 169 रुपीज़ से आपको मॉइस्चराइजर के भी कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। और नेल पॉलिश की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, अलग अलग कलेक्शन थे, सारे कलर भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि कलर में मतलब आपको लिमिटेड कलर मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पिछली वीडियो मैंने सिट मास्क को अच्छे से कवर नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं फेस सिट मास्क भी कवर करूँगी, तो इस यहाँ पर मैंने कवर किया। तो अब हम चलते हैं अपने क्लोथिंग आइटम्स की ओर। जहाँ पे मैंने जब मैं एंट्री की तो मैंने देखा यहाँ पर डम्मी में बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्तियों का कलेक्शन 3 लगी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सही था। जो बीच वाला ये काफ्तान आपको देखने को मिल जाता, यानी ये जो आप देख रहे हो आपको इस साइड में स्लिट ओपन मिलेगा, और ये बहुत ही सही था। एंड उसके बाद ये जो अब पिंक वाला था ये बैकलेस था, मैंने इसे ट्राई भी किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कलेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सही और बहुत ही शटल प्राइस में, लाइक 899 रुपीज़ के, 799 रुपीज़ के, 599, यहाँ तक आपको यहाँ पे आपको 399 रुपीज़ के भी, मतलब 400 के भी अंदर ही आपको इतने अच्छे अच्छे कुर्ती कलेक्शन देखने को मिले, जो कि मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में किसी भी शॉपिंग मॉल में इतने अच्छे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ कुछ है, बट वहाँ पर क्वालिटी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर क्या है कि आपको
प्राइस के साथ साथ आपको क्वालिटी भी मिलती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया है जूडियो को, इसलिए मैं दो बार से जूडियो आ रही हूँ। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको साथ जरूर शेयर किया था, वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसमें भी मैंने दिखाई थी। अब मैं आई हूँ यहाँ पर कुर्ती के कलेक्शन देखने, यहाँ पर 499 रुपीज़ की काफ़ी अच्छी कुर्ती जैसे कि ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी एकदम। ऐसा इसका जो प्रिंट था मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था, एंड प्योर कॉटन था। स्पेशली क्या होता है कि प्योर कॉटन मतलब इतने अच्छे प्राइस में मिलना इम्पॉसिबल होता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत सही लगा। अभी मैं आपको जितने भी कलेक्शन दिखाने वाली ये सारे आपको कलेक्शन आपको 899 में, 399, 499 रुपीज़ में इतने मिले, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको 1000+ जाना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ 499 500 के अंदर में काफ़ी अच्छा कुर्ती का शर्ट था। ये भी जितने भी आप देख रहे हो कलेक्शन, ये आपको 500 के अंदर कुर्ती के शर्ट देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सही था, बहुत ही परफेक्ट लगा था, एंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा सही थी। मैंने पास से टच करके भी देखा था तो क्वालिटी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा नहीं था कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये बर्बाद होने वाला आपका पैसा, बिल्कुल ऐसा नहीं था। फेस्टिव वाली पूरी वाइब्स आ रही थी, पहली तो बात ये थी, एंड सेकेंड बात ये थी कि यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मुझे दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत महंगा है, बिल्कुल ऐसा कोई भी मुझे ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लगा। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा और मैंने देखा कि थोड़ा इस कुर्ती को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा काफ्तान, एंड उसके बाद इस तरीके की ये कुर्ती मुझे बहुत सही था लगा। इसमें आपको अंदर एक जैकेट मिल मतलब अंदर एक कुर्ती मिलता है, ऊपर से एक जैकेट मिल रहा था, बहुत सही था ये भी, तो मैंने सोचा मैं इसे ट्राई करूँगी। उसके बाद पीछे भी इसके बाद सेम वही था, उसमें भी जैकेट था एंड कुर्ती था, इसे भी मैंने सोचा ट्राई करूँगी। देखते हैं अभी क्या क्या ट्राई करते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ भी ऐसा बता नहीं सकते। ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने सोचा कि इसे पिक कर लेते हैं। ये मुझे मेरी साइज़ के मतलब मुझे परफेक्ट भी आया था मैंने जब इसे ट्राई किया था। एंड अभी आप जो ये कुर्ती देख रहे हो इसमें आपको कुर्ता साथ में ऊपर से एक शॉर्ट वाला कोटी भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको 799 रुपीज़ के थे, तो काफ़ी सही था मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही, ज़्यादा से ज़्यादा सही लगा। तो मैं अपने फ्रेंड से भी ये डिस्कस कर रही थी कि यार ये काफ़ी सही है ना मतलब प्राइस के हिसाब से। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कप्तान अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर कप्तान के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये ठीक था, नॉट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था, बस कलर इसकी थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। और हाँ, जितना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जितने भी मैं आपको इसमें कलेक्शन दिखा रही हूँ, जो भी प्राइस में दिखा रही हूँ, जो भी क्वालिटी वाइज भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सारे आपको नियरेस्ट प्राइस जो भी आपका जूडियो मॉल होगा उसमें सारे मिल जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है कि मैंने दिखाया आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके नियरेस्ट बाय जूडियो आप वहाँ जाओ, आप वहाँ से शॉपिंग करो, बहुत ही सही आपको बहुत ही सेटल चीज़ें मिल जाएंगी। जूडियो हर एक सिटी में अवेलेबल है, लाइक आप जयपुर में हो तो भी आपको मिल जाएगा, बैंगलोर में हो या फिर इंदौर या फिर कहीं पर भी हो तो भी देखने को मिल जाएंगे, एंड अगर आप बनारस में भी हो तो भी आपको ये सारे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विजिट करो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको जूडियो में देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग प्राइसिंग के मतलब लाइक प्राइसिंग के हिसाब से। जूडियो मॉल में आपको लॉन्जरी के भी आइटम देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग प्राइसिंग 100 रुपीज़ से लेके मतलब 99 रुपीज़ से लेके आपको 400 के अंदर सारे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। काफ़ी सही था, एंड क्वालिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा सही थी। मैंने यहाँ पर जितने भी टच करके मतलब फील करके देखा उसको, मुझे ऐसा लगा कि हाँ इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही थे। अब हम चलते हैं इंडियन वेस्टर्न वेयर की हो तो वेस्टर्न वेयर में सबसे पहले मैंने यार मेरी नज़र पड़ी इस क्रॉप टॉप पर, बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप था, इसकी प्राइस थी 399 रुपीज़ के, बहुत सही था, इसका फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ मीडी ट्राई किया, मीडी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा, बहुत ही सही था। एंड उसके बाद मैं बता दूँ कि जूडियो में भी क्या है नहीं, भर भर के कॉर्सेट एंड जीन्स का कलेक्शन आए हुए थे, तो जितने भी आपको मैं कॉर्सेट दिखा रही काफ़ी ज़्यादा विंटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही थे, एंड क्रॉप टॉप की मतलब क्रॉप वाली फीलिंग दे रही थी। एंड यहाँ पे अभी जूडियो में क्या है कि डेनिम की आपको इतनी अच्छी वैरायटी मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सही वैरायटी मिलने वाली है। जितने भी आपको पिक में स्किन पर कलेक्शन दिखा रही हूँ ये सारे बहुत सही था, प्राइस के हिसाब से भी मुझे बहुत सही लगा। एंड मैंने इसे निकाल के इस तरीके से टच करके देखा कि हाँ फैब्रिक अच्छी है कि नहीं, फैब्रिक भी मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा था फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि फैब्रिक में कमी थी। मैं प्राइस इसमें आपको आगे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। बाय द वे मैं आपको सारे प्राइस क्या है किसके क्या प्राइस थी मैं ये सारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार दे दूँगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे कलर भी मिल जाते हैं आपको डेनिम के, एंड सबसे बड़ी बात आपको मतलब स्टाइल भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही स्टाइल का आपको जींस मिलने वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं, हर एक कलर का डेनिम मिल जाएंगे, हर एक स्टाइल के आपको डेनिम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। और मैं प्राइस आपको अभी शो कर दे रही हूँ, 799 रुपीज़ ये प्राइसिंग है सारे डेनिम के, बहुत सही था एंड सेटल था, बहुत मुझे सही लगा।
अभी आप थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे वेस्टर्न थोड़ा कम कवर किया इस बार, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में वेस्टर्न कुछ ज़्यादा ही कवर कर दिया था, तो मैंने सोचा कि अभी क्या है फेस्टिव के अकॉर्डिंग हम भी चलते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे फोकस करेंगे, वेस्टर्न पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कवर किया है। तो ये है ओवरऑल जूडियो को हॉल का कलेक्शन। अभी अब मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ, अब हम चलेंगे उसके बाद ट्रायन हॉल में, उस नहीं पहले तो चलेंगे फुटवेयर कलेक्शन में, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रायन हॉल में। तो मैं आपको अभी थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ, ये सारे मैं जिस जूडियो मॉल में गई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन भरे थे, पूरे भर भर के कलेक्शन थे, बहुत ही बड़ा था, तो पॉसिबिलिटी ये नहीं हो पाती कि मैं आपको एक एक पीस निकाल निकाल के दिखाऊँ हर बार, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लिप ऐड कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जूडियो मॉल में आपको इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर के दोनों कलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फुटवेयर के कलेक्शन की ओर। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी 300 के अंदर के कलेक्शन में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे ये दिखा 300 के अंदर में, जितने भी मैंने चप्पल्स और जूती एंड फुटवेयर वगैरह देखा और इनफैक्ट हील्स भी देखा, वो सब मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कितने सस्ते हैं यहाँ पे चीज़ें मिलती है, मतलब कंपनी वाले कमा भी रहे हैं फिर फालतू में फिर ऐसे बांट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी सही है और बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल रही थी। तो ये सारी आपको जो भी आप अपनी स्किन पे देख रहे हो आपको 300 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको जितने भी कलेक्शन दिखा रही हूँ आपको 600 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपको सैंडल एंड बहुत ही खूबसूरत सैंडल था, और ये जो ब्लैक वाला बूट देख रहे हो मैंने देखा, इसे मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। बाय द वे ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी, इस तरीके का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आपको 599 रुपीज़ के देखने को मिल जाएंगे। ये जो 599 वाले मतलब सेक्शन में लगे हुए थे, मैंने इसका प्राइस ध्यान देखा नहीं अब उतने का है या नहीं पता नहीं, बट इस वाले सेक्शन में लगे हुए थे तो जाहिर सी बात है इतने का ही होगा। ये अभी आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो शूज़ वगैरह, ये आपको 799 रुपीज़ के, 699 रुपीज़ के, मतलब 800 के अंदर ही सारे कलेक्शन देखने वाले मिलने वाले। ये जो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ये फुटवेयर मैंने देखा था H&M में, और इसका मतलब सेम नहीं है वैसे, मतलब हाँ उससे मिलता जुलता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा कलेक्शन आपको जूडियो में देखने को मिलेंगे जो कि आपको H&M जाना के सिंगलर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, बट जूडियो में आपको बहुत ही अपने बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। और ये सैंडल मुझे बहुत ही प्यारे लगे, सबसे ज़्यादा प्यारे लगे इसके हील्स के जो डिज़ाइन थे नीचे में एकदम मतलब कर्व थे गोले से, काफ़ी तो क्यूट लग रहा था ये। एंड इसमें भी मैंने बहुत सारे जूडियो में ऐसे देखा जिसका हील्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, जैसे कि ये सिल्वर वाला, इसका हील्स आप देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, कितना प्रिटी दिख रहा था। सच बताओ तो मुझे जूडियो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कम पैसे में काफ़ी अच्छी चीज़ें कहाँ मिल सकती है, तो मुझे ये लग रहा है कि जूडियो से मेरे लिए बेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपने अभी तक जूडियो में नहीं विजिट किया तो प्लीज़ विजिट करो एक बार, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। एंड अब हम चलते हैं ट्रायन हॉल में। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये ऑफ वाइट कुर्ता, बहुत ही प्यारा था, ए लाइन कुर्ता था, बहुत ही ज़्यादा सेटल सा था, एंड इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा सही थी। उसके बाद मुझे जो उसकी फिटिंग आई ना, वो फिटिंग देख के मैं ज़रा दिल खुश हो गया, कि क्योंकि इसका नेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे इस तरीके के नेक बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो छोटा सा गला हो और सिंपल सा एकदम गले में आपका चिपका हो, वो उस तरीके के मुझे कुर्ती और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद कर मतलब आते हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा, मतलब मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे सही लगा। एंड इसका ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना भी मैं आपको ड्रेस ट्राई करके दिखाने वाली हूँ उसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड उसके बाद मैंने ट्राई किया ये ब्लैक वाला मिडी ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा सही था, इसका जो फ्लेयर था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और सेकंड जो उसका अट्रैक्ट कर रहा था वो था इसका स्लीप, स्लीप मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इस तरीके से पफ स्लीप था, और अभी ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर साइड में यहाँ पर टाई करके मतलब बांधने वाला भी दिया था इस तरीके का, अगर आप चाहो तो साइड से इसे टाइट करके मतलब फिटिंग भी दे सकते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड सबसे प्यारा मुझे लगा जो बाजू और मतलब सारे कुर्ते से सबसे ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्ट कर रहा था वो था इसका नेक, नेक इसमें वी नेक था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा इसमें इसने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी कुर्ती लग रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये फेस्टिव को वाइब्स दे रहा था। सेकंड जो मैंने थर्ड जो ट्राई किया था वो था ये ए लाइन कुर्ता, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। प्राइस की मैं बात बता दूँ कि प्राइस ये आप दोनों का अभी जितने भी मैंने दिखाए आपको ये 899 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सही और प्यारा दिख रहा था, क्यूट सा दिख रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें बैकलेस था, तो मैं आपको साइड में इमेज एक सेट कर दूँगी जिससे आपको पता चल जाए कि बैकलेस ओपन है, तो ये भी मुझे सही लगा। एंड क्वालिटी भी इसकी बहुत
सही थी। एंड फोर्थ जो मैंने ट्राई किया, ये कुर्ता बहुत खूबसूरत था, ये ब्लू वाली कुर्ता मेरा, मुझे और मेरी फ्रेंड को दोनों को पसंद आया था, हम दोनों ने सोचा कि ये कुर्ता रख लेते हैं, तो हमने ये कुर्ते को रखा था, बहुत ही सही था। आप देख सकते हो कितना प्यारा है, यहाँ पर आप टाई कर सकते हो, बीच से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको ना वेस्ट के पास आप इसे बांध सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ढीला ढीला दिखेगा, वेस्ट के पास इसे आप बांध सकते हो अच्छा। और उसका नेक तो हल्का सा वी था, वी शेप में ही था, मतलब ज़्यादा डीप नहीं था, मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा डीप पहनना पसंद नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा दिवाली लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग हॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।